फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलोल्केन अंडर द हेडिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया था लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलोल्केन। एंड आपको पता है कि लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलोल्केन में सिंपल टेस्ट है। हम हल्की हलाइड लेंगे, उसको हम वार्म करेंगे एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो उसमें जो हाइड्रोक्साइड जो हेलोल्केन में जो अल्किल ग्रुप के साथ जो हैलोजन ग्रुप अटैच है, वो हैलोजन ग्रुप वहाँ से निकल जाएगा और उसके जगह पे एक नया ग्रुप वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिएक्शन दी थी लास्ट, इसमें आपको बताई देती हूँ। यहाँ पे है, ठीक है, आर एक्स और ओ एच माइनस आयन, ये रिएक्शन है। इसमें हैलोजन ग्रुप जो अटैच है वो हैलोजन ग्रुप की जगह पे ओ एच जो है क्या हो जाता है, अटैच होता है। मतलब एक्स यहाँ से निकल जाता है और एक्स की जगह पे ओ एच वहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, मतलब एक्स निकल जाएगा और इन प्लेस ऑफ एक्स वहाँ पे ओ एच अटैच होगा। ओके, तो उस पर और साथ में हमें क्या ऐड करना है, मतलब हमें अल्किल हाइड्रेट के साथ एक्वस सोडियम और फिर पोटेशियम, ये जो ओ एच माइनस आयन आया, ये जो ओ एच माइनस आयन यहाँ पे आया है वो कहाँ से आया है, एन ए ओच या फिर क्यूएच में से आया है। ठीक है, तो हम उसको वार्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर उसको वार्म करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाएगा और वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। और साथ हम उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे एज वेल एज सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, तो जो हैलाइडाइन वहाँ पे सेपरेट हुआ वो हैलाइडाइन सिल्वर के साथ ज्वाइन हो जाएगा इन फॉर्म्स ऑफ सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट एंड दैट प्रेसिपिटेट सेट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि देर इज अ प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ग्रुप, इट्स अ लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, हमने लेबोरेटरी उसको टेस्ट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन। हमें क्या स्टडी करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन। हमें क्या स्टडी करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन हमें स्टडी करना है। ठीक है, और इसके पहले लेक्चर में भी मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया था। न्यूक्लियोफाइल जो होता है दैट कैरीज द निगेटिव चार्ज, और कैसे ध्यान में रखना है, न्यूक्लियोफाइल से हमें क्या ऐड करना है, न्यूक्लियस से ऐड करना है। और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो उसका अपोजिट चार्ज किसके ऊपर रहेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल का अपोजिट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको ये याद रखना है। ठीक है, और आपको स्टडी क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको स्टडी करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन में हम एक न्यूक्लियोफाइल को निकालेंगे, मतलब उसको रिप्लेस कर देंगे दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को निकालेंगे और उसके जगह पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब किस साथ करना है, हमें हेलोल्केन के साथ करना है। हेलोल्केन मतलब आर एक्स, मतलब हम क्या करेंगे, इस हेलोल्केन में जो एक्स है इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो हम इस आर एक्स में से इस न्यूक्लियोफाइल को दूसरे ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, या फिर इस हैलाइड आयन को निकाल के उसकी जगह पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि जिसके साथ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच है, ठीक है, जो भी कार्बन के साथ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच है, उस न्यूक्लियोफाइल के साथ जो कार्बन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट जो है वो चेंज होता नहीं है, जैसे रिएक्टेंट में है वैसे आपको प्रोडक्ट में भी मिलेगा। ओके, और आपको डेफिनेशन दी आपकी बुक में, देखो, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन, क्या डेफिनेशन दी आपको, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन इन अ सबस्ट्रेट, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन इन अ सबस्ट्रेट इज रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप टू गेट अ प्रोडक्ट विथ नो चेंज इन स्टेट ऑफ द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच। मतलब सब्सट्रेट में से कार्बन के साथ जो ग्रुप बॉन्डेड है उस ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं अनादर ग्रुप से टू गेट अ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक आप जैसे आपके हैलोल्केन में से हैलाइडाइन को निकाल देंगे और उसकी जगह पे दूसरे ग्रुप को उसका रिप्लेसमेंट उसमें डाल देंगे, एक नया ग्रुप वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उस केस में देर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन टू विच दैट ग्रुप टू विच दैट हैलोजन इज अटैच। मतलब हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन का
हाइब्रिडाइज स्टेट चेंज होगा नहीं। अगर वो पहले sp3 है तो आफ्टर रिएक्शन वही वो sp3 ही रहेगा। ओके तो ये हो गया आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन इन अ सबस्ट्रेट इज रिप्लेस बाय अनादर ग्रुप। व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन इज इन अ सबस्ट्रेट इज रिप्लेस बाय अनादर ग्रुप टू गेट अ प्रोडक्ट विथ नो चेंज इन अ स्टेट ऑफ विथ चेंज इन अ नो स्टेट विथ विथ नो चेंज इन स्टेट ऑफ द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल है, एक न्यूक्लियोफाइल को निकालना है उसके जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है या फिर एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो हाइब्रिड स्टेट ऑफ दैट कार्बन उसके हाइब्रिड स्टेट आपको चेंज करना नहीं है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट, द CX bond in alkyl halide is polar covalent bond and the carbon in CX bond is positively polar। सबको पता है कि जो CX bond होता है किसमें? alkyl halide में, वो polar covalent bond होता है and carbon जो होता है इन CX bond में is positively polarized। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि alkyl halide में ये जो alkyl group है इसमें क्या होता है? carbon होता है, और ये कार्बन के साथ अब अल्किल ग्रुप मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप रह सकता है, इथिल मिथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो इस अल्किल ग्रुप में जो कार्बन है उस कार्बन के साथ आपका हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, और जो CX मतलब ये जो CX बॉन्ड होता है आपके अल्किल हैलाइड में से, ये पूरा क्या हो गया आपका? अल्किल हैलाइड हो गया। ओके, ये पूरा क्या हो गया? अल्किल हैलाइड हो गया। इस अल्किल हैलाइड में से आपका जो CX बॉन्ड है वो कैसा होता है? पोलर कोवालेंट बॉन्ड है। अब कोवालेंट क्यों है आपको पता है? शेयरिंग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन इस हाइड्रोजन का आएगा, दोनों में शेयरिंग होगा और शेयरिंग के वजह से वहाँ पे क्या होगा? CX के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब ये जो कोवालेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग से बना हुआ है इलेक्ट्रॉन के, तो ये पोलर बॉन्ड है। ये जो कोवालेंट बॉन्ड है वो कैसा है? पोलर है। अब पोलर क्यों है? बिकॉज इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर है एंड जो कार्बन है, अब ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो ऑब्वियसली कैसे नेगेटिव चार्ज, अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप हो गया तो ऑब्वियसली बाजू वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, मतलब ये कैसा रहेगा? पॉजिटिवली पोलराइज रहेगा। बट इट ठीक है, समझ में आया यहाँ पर आपको क्या कहा कि आपका जो ये अल्किल हैलाइड है, इस अल्किल हैलाइड में जो CX जो बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कहाँ से लिया? अल्किल ग्रुप में से। RX क्या है आपका? जो RX है ये क्या है आपका? अल्किल हैलाइड है। ठीक है, एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ये जो RX है ये आपका क्या है? अल्किल हैलाइड है। ठीक है, RX क्या है? अल्किल हैलाइड है, और इस अल्किल हैलाइड में अल्किल ग्रुप में कार्बन होता है, और उस कार्बन के साथ ही आपका हैलोजन ग्रुप क्या होता है? अटैच होता है, और ये जो हैलोजन ग्रुप है वो कैसा होता है? हाईली नेगेटिव इन नेचर। और अगर ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर है तो उसके साथ जो अटैच कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर रहेगा, और उसके वजह से हैलोजन कैरीज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरीज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो जो हैलोजन जो अल्किल हैलाइड में जो कार्बन और एक्स मतलब कार्बन हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें से हैलोजन कैरीज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरीज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके वजह से ये पूरा जो बॉन्ड है वो कैसे हो गया? पोलराइज हो गया। तो कार्बन जो है वो हाईली पोलराइज पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली पोलराइज बोलते हैं। ठीक है, कार्बन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली पोलराइज कार्बन बोलते हैं। समझ में आया? एंड इट हैज़ देयरफॉर टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल, मतलब उसके अंदर जो कार्बन है वो कैसा है? हाईली पॉजिटिवली पोलराइज है, एंड ऑब्वियसली हैलोजन क्या रहेगा? मतलब एक्स क्या रहेगा? हाईली पोलराइज नेगेटिव रहेगा, मतलब नेगेटिवली पोलराइज रहेगा, और कार्बन पॉजिटिवली पोलराइज। इन अदर वर्ड्स द CX कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इन अदर वर्ड it has therefore tendency to react with the
न्यूक्लियर. इन अदर वर्ड द सी एक्स कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि सी एक्स कार्बन जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन सेंटर है. ठीक है, जो कार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसमें जो कार्बन है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, बिकॉज इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. ओके, इसमें जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज है. तो इसके वजह से आपको ऑलरेडी इसके पहले बताया कि द पॉजिटिव चार्ज कैरी स्पीसीज इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल. आपको ऑलरेडी बताया मैंने. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो है उस कार्बन हैलोजन बॉन्ड में सी एक्स बॉन्ड में जो कार्बन पॉजिटिव है इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. वो क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एंड ऑब्वियसली अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ऑब्वियसली इट्स अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल. वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ओके, सो अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल. इसका मतलब क्या है कि आपका जो अल्किल हैलाइड है वो वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट हो सकता है टू गिव अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, क्या पॉइंट दिया आपको कि आपका जो अल्किल हैलाइड है दैट रिएक्ट्स विद अ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू गिव अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, समझ में आया. आपका जो अल्किल हैलाइड है दैट रिएक्ट विद अ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इसमें भी न्यूक्लियोफाइल है तो ये अल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ टू गिव अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, एंड दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन जनरल. उसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया आपको दिया, देखो यहाँ पे इसको आपको जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया है. जनरली रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल दैट इज Nu देन CX. ठीक है, अल्किल हैलाइड में से सिर्फ CX लिया है, पूरा अल्किल हैलाइड नहीं लिया, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लिया है. तो इस न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल इसमें हम ऐड कर रहे, ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा और खुद उसके साथ अटैच हो जाएगा, और आपका कार्बन न्यूक्लियोफाइल से अटैच होगा और हाइड्रोजन को सेपरेट हो जाएगा. ओके, देन उसके बाद व्हेन अ सब्सट्रेट रिएक्ट फास्ट, जब कोई सब्सट्रेट फास्टर रिएक्ट होता है. ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर कोई सब्सट्रेट जब व्हेन सब्सट्रेट रिएक्ट फास्ट इट्स सेड टू बी अ रिएक्टिव. ठीक है, जब कोई सब्सट्रेट फास्टली रिएक्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव बोलते हैं. ऑब्वियसली जो रिएक्शन स्लो होती है उसमें रिएक्टर सब्सट्रेट कैसे रहेंगे, लेस रिएक्ट रहेंगे, और जिसमें सब्सट्रेट फास्ट रिएक्ट होंगे तो वो रिएक्शन तो फास्टर होनी है. ठीक है, जब कोई सब्सट्रेट फास्ट रिएक्ट होता है, जब कोई सब्सट्रेट फास्टली रिएक्ट होता है तो उसको हम रिएक्टिव बोलते हैं. और जो रिएक्टिविटी होती है अल्किल हैलाइड की इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN है. ठीक है, जो आपको SN दिया हुआ है, SN क्या है, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, व्हाट इज SN, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन. ओके, S किसके लिए स्टैंड करता है, सब्स्टिट्यूशन के लिए, एंड N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक. ठीक है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन कौन सा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, मतलब SN रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है दैट डिपेंड ऑन द नेमली टू स्टेट एंड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. दैट फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन स्टेट. सब्स्टिट्यूशन स्टेट में डिपेंड करता है कि हमारा कार्बन कौन सा है, वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों में से कौन सा, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, और अगर हमारा टर्शरी कार्बन है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी तो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव, एंड प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव. मतलब इन तीनों में से टर्शरी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है. अगर हमने तीनों अल्किल हैलाइड में से अगर हमने टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज़ अगर किया तो रिएक्शन फास्टर होगी, सेकेंडरी अगर अल्किल हैलाइड यूज़ किया तो उससे थोड़ी सी स्लोअर होगी, अगर हमने प्राइमरी यूज़ किया तो उससे भी स्लोअर होगी. तो हमारा ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, ठीक है, टर्शरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी. ये क्या है, अल्किल हैलाइड की बात करें, अल्किल हैलाइड अगर टर्शरी टाइप का है. अब टर्शरी टाइप का मतलब क्या कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच रहेगा, तो वो कार्बन कैसा रहेगा, टर्शरी कार्बन. ठीक है, और सेकेंडरी में अगर सेकेंडरी कार्बन है तो कार्बन कैसा रहेगा, आपको पता है प्राइमरी सेकेंड टर्शरी क्या होता है. अगर प्राइमरी कार्बन अगर है, ठीक है, अगर प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे, जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन सिर्फ दूसरे एक कार्बन के साथ वो अटैच रहेगा. ठीक है, अब बचे हुए क्या रहेंगे आपके, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन. ठीक है, मतलब क्या रहेगा, R CH2
एक्स, अगर ये फॉर्मूला है तो ये कार्बन जो है वो कैसा है, प्राइमरी, मतलब ऐसा एक कार्बन जो एक ही कार्बन के साथ अटैच है जिसको एज अ प्राइमरी, ठीक है, और उस कार्बन को आपका हैलोजन रहेगा, ठीक है। और सेकेंडरी मतलब क्या, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन मतलब क्या रहेगा, सेकेंडरी कार्बन मतलब आपका हैलोजन, आपका जो सॉरी आपका जो हैलोजन ग्रुप रहेगा, आपका जो कार्बन है, आपका जो कार्बन है वो हैलोजन के साथ अटैच है, बट वो जो कार्बन है वो सेकेंडरी रहेगा। आप सेकेंडरी रहेगा इन द सेंस क्या, सेकेंडरी रहेगा इन द सेंस क्या, आपका कार्बन सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन है, इसका मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी कार्बन में आप कार्बन जो है वो दूसरे दो कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है, मतलब बची एक वैकेंसी तो वो किससे सेटिस्फाइड होगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी कार्बन मतलब व्हाट, सेकेंडरी कार्बन मतलब आपका जो कार्बन है दैट अटैच विद द अनादर कार्बन, अनादर टू कार्बन एंड वन हाइड्रोजन, एंड दिस कार्बन इट इज़ सेकेंडरी एंड दैट शुड बी बॉन्डेड विद द हैलोजन, मतलब आपका हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फिर अनादर दो कार्बन के साथ अगर अटैच है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ सेकेंडरी। एंड व्हाट इज़ अबाउट टर्शरी, अगर आपका टर्शरी कार्बन अगर है तो टर्शरी के केस में जो आपका कार्बन है जिसके साथ आपका हैलोजन, टर्शरी जो कार्बन है उस टर्शरी कार्बन में आपका जो कार्बन है मतलब हैलोजन जो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनादर थ्री कार्बन के साथ अगर लिंक है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्शरी। समझ में आया, मतलब आपका हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनादर थ्री कार्बन के साथ अटैच है इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्शरी। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने बार आपको अभी बता दिया कि रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा होती है, टर्शरी की, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, टर्शरी, ये रिएक्शन फास्टर होगी, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी रिएक्टिव होता तो उसकी रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी और सबसे स्लो होगी प्राइमरी की, ठीक, इतनी भी स्लो नहीं होती बट स्टिल एज कम्पेयर टू टर्शरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी की रिएक्शन थोड़ी स्लो रहेगी, मतलब रिएक्टिव कौन है, टर्शरी, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव सेकेंडरी, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव प्राइमरी, और जिस रिएक्शन में सबसे रिएक्टिव होता है वो रिएक्शन फास्टर होती है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, उसमें से आपको पहला फैक्टर बता दिया कि आपका अल्किलाइड का नेचर क्या है, आपका सब्सटीट्यूशन स्टेट कौन सा है, मतलब सब्सटीट्यूशन स्टेट मतलब हमारा कार्बन कौन सा है जिस पे हम सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, टर्शरी अगर है तो रिएक्टिव, सेकेंड तो उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव, प्राइमरी तो उससे भी ज़्यादा रिएक्शन वहाँ पे आपको मिलेगी, ओके। देन उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन्फ्लुएंस बाय टू फैक्टर्स, एक हो गया आपका सब्सटीट्यूशन स्टेट एंड अनादर इज़ द नेचर ऑफ हैलोजन, आपका हैलोजन कैसा है, ठीक है, क्योंकि हैलोजन भी मैटर करता है कि हैलोजन अगर हैलोजन के साइज़ के ऊपर मैटर करता है, क्योंकि बॉन्ड हमें ब्रेक करना होता है तो साइज़ जिसका बड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आर एक्स दिया है, ठीक है, आर आई उसमें आर आई, उसके बाद आर बी आर एंड आर सी एल, इन तीनों में से रिएक्टिव कौन है, आर आई रिएक्टिव है क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, और आयोडीन का साइज अगर बहुत बड़ा है तो इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और जितना बड़ा बॉन्ड उतना वो वीकर होता है, इतने जल्दी से वो ब्रेक भी हो जाता है, ये इसके पहले आपका हो चुका है, अगर ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होता है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, मतलब रिएक्शन फास्टर होगी, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू दिस टू ये कैसा है, फास्टर रिएक्ट होता है और रिएक्शन उसकी फास्ट भी, वाई, बिकॉज आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इसलिए वो बॉन्ड वीकर होता है और वो ब्रेक भी जल्दी होता है, इसलिए आर आई की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे रहेगा, अगर हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर लिखा तो आर आर आई आर बी आर, ठीक है, आर आई इज़ हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू आर बी आई and is highly reactive as compared to RCL, मतलब आर आई की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अभी मैंने आपको रीज़न बताया था क्यों ज़्यादा है, बिकॉज आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके वजह से उसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है, और जितना बड़ा बॉन्ड उतना वो कैसा होता है, वीक होता है, और अगर वीक हुआ तो वो ब्रेक भी जल्दी से होता है और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए आर आई हाईली रिएक्टिव, उसके बाद आर बी आई रिएक्टिव, उसके बाद सबसे
जैसे एटिकोन है RCl है, तो इसके ऊपर भी रिएक्टिव डिपेंड करते हैं। ये दो फैक्टर्स हो गए जो मैंने आपको बताया। एक फैक्टर कौन सा बताया था, एक फैक्टर बताया था आपका टाइप ऑफ कार्बन, आपका कार्बन कैसा है, वेट इज टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है रिएक्टिविटी, आ रहा है RBr और RCl, इसमें से रिएक्टिव कौन है आ रहा है। तो ये दो फैक्टर के ऊपर आपकी न्यूक्लियोफिलिक एसोसिएशन जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया कौन से दो फैक्टर है जो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो ये है कि आपका अल्केलाइड कौन से टाइप का है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी है, मतलब आपका जो सब्स्टिट्यूशन का जो सेंटर है या फिर सब्स्टिट्यूशन की जो स्टेट जहाँ पे आप उसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हो उसकी सब्स्टिट्यूशन स्टेट कैसी है। अगर टर्शियरी टाइप का अगर है तो उसकी सब्स्टिट्यूशन स्टेट ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो ज़्यादा रिएक्ट होगा, सेकेंडरी में कम है तो कम रिएक्ट होगा, प्राइमरी में उससे भी कम रिएक्ट होगा। और तीसरा, आप जो अल्केलाइड वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके अल्केलाइड में आपका अल्केलाइड का टाइप कौन सा है, वेदर इट इज RCl, RBr और RI, तो अगर RI है तो रिएक्ट होगा बिकॉज उसका साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड वीकर है, उसके से वो ब्रेक भी जल्दी होगा तो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी होगी। तो इस लेक्चर में यही तक। ओके, थैंक यू।